नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। भगवान राम के जन्मदिन पर रामनवमी का आयोजन किया जाता है। यह भारतवर्ष में हिंदुत्व का पहचान दिखलाता है। रामनवमी एक महत्वपूर्ण पर्व के नाम पर मनाया जाता है। आपको बताते चले कि रामनवमी पटना के फुलवारी शरीफ में जब मनाया जाता है तो उसके एक दिन बाद जुलूस का आयोजन किया जाता है। 1942 ईस्वी से ये परंपरा चली आ रही है, करीबन 80 से मनता आ रहा है। इसमें नौजवान कमेटी का भरपूर योगदान रहता है और प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा। हरेंद्र कुमार सिंह, भावी प्रत्याशी उप सभापति विवेक कुमार सिंह, ओम प्रकाश साव, विनोद महतो, भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 6, हजारों हजार के श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। क्या कार्यक्रम है? हर एक साल हम लोग दसवीं के दिन यहाँ पर फुलवारी शरीफ संगत से निकलता है और ये बहुत ही धूमधाम से निकाला जाता है। करीब 100 वर्षों से परंपरागत तरीके से निकल रहा है। रामनवमी तो कल थी, आज निकाला जा रहा है। रामनवमी के अगले दिन यहाँ दसवीं के हर एक साल 100 वर्षों से निकल रहा है, 100 से अधिक सालों से निकल रहा है, अंग्रेज के जमाने से निकल रहा है और ये परंपरागत निकलते आ रहा है। अपना परिचय पटना से राकेश कुमार की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।